ये है मराठी फिल्मों की टॉप अभिनेत्रियां। एक फिल्म के लिए करती है मोटी रकम चार्ज। जिस तरह बॉलीवुड में अभिनेत्रियों ने अपनी खास जगह बनाई हुई है, उसी तरह मराठी फिल्मों की भी इंडस्ट्री में काफी थाक है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उन मराठी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना काफी नाम किया है। इन मशहूर अभिनेत्रियों की फिल्में रिलीज होने से पहले ही गलियारों में बज रहता है। वही अपनी पॉपुलैरिटी के अनुसार ये अभिनेत्रियां काफी मोटी रकम भी चार्ज करती है, जिसे काफी पसंद किया जाता रहा है। तो आइए बात करते हैं इन एक्ट्रेस के बारे में। सोनाली कुलकर्णी इस लिस्ट में शामिल सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली मराठी एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी है, जो कि अपनी एक फिल्म का 18 से 20 लाख की राशि चार्ज करती है। और वही उनकी फिल्म आने से पहले दर्शक बेताब रहते हैं। सई तमिहनकर मराठी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल। सई एक फिल्म के 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती है। सई इस लिस्ट के टॉप एक्ट्रेस में से एक है जिन्हें काफी पसंद किया गया है। अमृता खानविलकर। अमृता को आज मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में माना जाता है, जिन्होंने नच बलिए के शो में भी पतिक के साथ शिरकत किया था। अमृता को काफी पसंद किया गया है। वही अमृता अपनी एक फिल्म के लिए 10 लाख की राशि चार्ज करती है। प्रिया बाबट है मराठी एक्ट्रेस। प्रिया ने ना सिर्फ मराठी बल्कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काफी काम किया है। मिस्टर शिवाजी राव बोलतोए, आनंदी आनंद, कक्कस्पर्श, अंधली को शिमबीर, लोकमान्य, एक युग पुरुष उनकी हिट फिल्मों में से एक है। प्रिया अपनी एक फिल्म के लिए 8 से 9 लाख रुपए चार्ज करती है। उर्मिला कानटकर है मराठी फिल्म शुभ मंगलवार सावधान से चर्चा में आई। उर्मिला ने फिल्मों के साथ टीवी पर भी काफी काम किया है और इसी वजह से वो इस पॉपुलैरिटी की लिस्ट में शामिल है। अपनी एक फिल्म के लिए उर्मिला 6 से 7 लाख रुपए तक चार्ज करती है। मानसी नायक मर्डर मिस्ट्री और गाने भक्तोई रिक्शावाला में अपना परचम लहराने वाली मानसी नायक अपनी एक फिल्म के लिए 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करती है। मानसी ने मराठी सिनेमा में अलग ही बहार बनाए रखी है, जिन्हें दर्शक खूब पसंद करते हैं। नेहा महाजन ने फिल्म द पेंटेड हाउस सेनियुड सीन से सुर्खियों में आई। नेहा ने ना सिर्फ मराठी बल्कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, मलयालम सिनेमा में भी काफी अच्छा काम किया है। वही उन्हें काफी पसंद भी किया गया है। नेहा अपनी एक फिल्म के लिए 3.5 से 4 लाख रुपए तक चार्ज करती है। स्मिता गोंड ग्रह मराठी वीडियो सॉन्ग पपी दे पारुला तो आपने सुना ही होगा। स्मिता इसी वीडियो से पॉपुलर हुई थी, जो कि अपनी एक फिल्म के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करती है। स्मिता ने मराठी सिनेमा में फिल्में माया, लाइट एक कालोक, इफे फोरे, वांटेड बाको में काफी अच्छा काम किया है, जिसके मुताबिक उनकी मराठी सिनेमा में काफी पॉपुलैरिटी है।